इतना समझ लीजिए मनीष कश्यप बिहार के जनता को बेवकूफ बनाया है इमोशनली वो नहीं होता है, हो है, है यहाँ पे नेता भ्रष्टाचार कर सकते हैं पत्रकार तो कुछ, कुछ गलती बोल दे तो भ्रष्टाचार है पूरा देश से आज तक किसी के मुंह से ये सुने हैं कि हम इतना दिन में सरकार गिरा देंगे स्पष्ट दिख रहा है बीजेपी का वो एजेंडा है बीजेपी का एजेंट है वो सोचिए आप बैठ के एक जाति विशेष नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं आपके पापा जी ये हैं मेरे पापा जी ये हैं आप हम इंजीनियर हैं आप नाइन्थ पास हैं तेजस्वी तो यादव दो हज़ार बीस के चुनाव विधानसभा चुनाव में घोषणा कर दिया कि हम नाइन्थ पास हैं कोई छुपा हुआ बात नहीं है आप भी घोषणा कर दिए हैं कि हम इंजीनियर थे या कुछ नहीं उखाड़ पाए तो हम एक माइक लेकर निकल गए आप सबको सक्सेस भी मिला तेजस्वी यादव को भी राजनीति में सक्सेस मिला कोई बुरी बात नहीं है ऐसा ढेरी आदमी अपना इंडिया में है जो कोई और चीज़ कर रहा था कोई और चीज़ कर रहा है नेशनल लेवल पे हम ऐसे ऐसा मीडिया को देखे हैं जो किसी आज तक कोई सरकार चुनौती नहीं किया है ये कौन सा सरकार से घर में बनता है क्या लेकिन नमस्कार मैं कृष्णा यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ न्याय तक में दोस्तों आज हम आए कुछ स्टूडेंट सबसे मिलने जो सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं और पटना में रह रहे हैं यहाँ पे रूम लेकर के तैयारी करते हैं तो अभी जो ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है जो मुद्दा है कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुए पहले उसके बाद उसे हाजिरी करने के लिए बताया उसके बाद कुर्थी जब्दी होने के बाद वो सिलेंडर किए तो ये कहाँ तक सही है सरकार जो किए हैं वो सही है या मनीष कश्यप सही है तो इन सब से हम बात करते हैं कि ये सब क्या इनके बारे में बताना चाहते हैं क्या इन सब का राय है कुछ चीज़ और भी बात ये बोले थे जैसे कि हाँ हम एक दिन में यदि हमको अरेस्ट करवाएगा तो सरकार को गिरा देंगे तो ये सब तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे अभी तक हम लोग को लग रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं वो तो आवेश भाके बोल दिए थे आवेश नहीं होता है यदि एक पत्रकार को आवेश नहीं आता है वो आप राजनेता के तौर पे आप, आप वो दिख रहा था उसमें ऐसे भी दिख रहा था बहुत सारे लोग बोल रहे थे इस तरह के बात कि बीजेपी का इसके ऊपर हाथ है लेकिन समझ से सरकार का कोई गलती नहीं है मतलब आपके हिसाब से बीजेपी का समर्थन है इसलिए वो गलत है हाँ गलत है एक पत्रकार के नाते चाहे बीजेपी हो भाजपा हो कांग्रेस हो जदयू हो आर हो और अन्य जो जितना भी पार्टियाँ हैं हमारे देश में कई तरह बहुत सारे पार्टियाँ हैं तो एक पत्रकार होने के नाते न्यूट्रल रहना चाहिए अच्छा जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं हमको दिख रहा है उसके अंदर में लिखा हुआ है वो केस वो केस में उनके ऊपर हुआ है वो जेल गया है भले ही बिहार के जनता समझ रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया है लेकिन उनको अंदरूनी रूप से खुशी है कि अब हमको बीजेपी का टिकट मिलेगा अब हारे या जीते उसको कोई मतलब नहीं है क्या होगा वो बात का बात है लेकिन इतना समझ लीजिए मनीष कश्यप बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाया है इमोशनली वो नहीं होता है कि अटैच होना कि हम जनता के साथ अटैच हो जाते हैं हम नेता बन जाते हैं अब पहले नेता बन जाते कोई दिक्कत नहीं है कोई भी लड़ सकता है यहाँ पर पत्रकार भी है आप अब लड़ना चाहते हैं लड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब क्या है कि उनको बीजेपी जो है स्पेशल हमको जहां तक लगता है क्या पता टिकट दे दे इसलिए वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो देगा कि नहीं उनको नहीं हमको पता है आरजेडी में और इससे भी बड़ा बड़ा अपराधी सब है कहाँ उनप जल्दी इतना जल्दी एफ आई आर जदयू में बीजेपी में ले लिया सरकार सब नेता पे केस है तो इतना जल्दी एक्शन लेते हैं सरकार इसलिए नहीं जल्दी ले रहे इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो नेता है आप पत्रकार हैं पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना ठीक है तो पत्रकार का काम नहीं है कि किसी एक पक्ष में जाकर दिया जाए तो सब मतलब नेता चाहे आरजेडी में है बीजेपी में किस में नहीं आपका कहना यही टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपको ये चीज नहीं देखना था कि हम बीजेपी के साइड में मतलब साइड में जा करके उनके तरफ से हम लड़ें ये लेकिन ये भी तो देखिए कि अगर वो सरकार के खिलाफ बना रहे हैं तो विपक्ष उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो इनसे आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी का सपोर्टर है खास आपका जो मत था वो हम देखें और यहाँ पे अगे... पत्रकार हैं आप भी पत्रकार हैं हम तो आपसे भी बोलेंगे कोई भी भारत का और भी पत्रकारिता और भी लोग पत्रकार करते हैं क्या किसी के आज से आज तक किसी के मुंह से ये सुने हैं कि हम इतना दिन में सरकार गिरा देंगे स्पष्ट दिख रहा है कि भाई बीजेपी का वो एजेंडा है बीजेपी का एजेंट है वो पत्रकार है ही नहीं इससे पहले भी देखे हैं बहुत सब भी उठा, उठा गरीबी सबका मुद्दा तो उठा है गरीबी का मुद्दा उठाया था जब भी गरीब का कभी जरूरत पड़ता था सिर्फ जातिवाद किया है कटिहार में कटिहार में सात यादव को काट दिया था ये मामला आपको पता ये, है ये। एक बार भी वो नहीं गए थे पत्रकारिता वो कर बोल रहे थे कि हम जाएंगे तो वहाँ जातिवाद हो जाएगा इसलिए इसलिए पहले भागलपुर में हुआ था मुस्लिम और यादव के बीच में उसमें क्यों गए थे तब आप क्यों मुस्लिम हिंदू मुस्लिम और यादव के बीच में आप कटवाना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ आर है इसका वोट कट जाएगा इसलिए हम हम स्टूडेंट हैं हम ऐसा भी नहीं है कि आरजेडी का कट्टर समर्थन है ऐसा आप मत समझिएगा लेकिन एक पत्रकार होने के नाते उनको क्या होना चाहिए था कि भागलपुर में जाके आप मुस्लिम में यादव में आप खूब कटवाई अधिक करवाइए झगड़ा करवाइए ये मामला तो आप सुने होंगे और जब सात को यादव को करता क्या? है तो आपको वहाँ पत्रकारिता नहीं करते हैं एगो करते बहुत ऐसा मुद्दा हुआ चाहे बिहार का या देश का या राज्य का या किसी भी अन ऐसा घटना हुआ जिसका मुद्दा उन्होंने बारीकी से उठाया उस पर ज़ोरदार आवाज़ दिया जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नहीं कर पाते थे उसने कर दिखाया और लोग को जो है मतलब लोग को लगा भी था कि चलिए कोई एक ऐसा आदमी है जो हमारा बात उठा रहा है लोग को कह रहा है लोग के बीच में ले जा रहा है इसको सीरियस रूप से गरीबी के गरीब को भरोसा हो गया था हाँ एक भरोसा होता है हम लोग को भी हुआ था अभी भी है लेकिन देखिए समझना पड़ेगा आपको बात की आप किसी भी प्रोफेशन में उसका एक अपना अनुशासन है उसका अपना डिसिप्लिन है वैसे अपना काम करने का तरीका है तो उसे हमें फॉलो भी करना है कहावत आप सुने होंगे कि आप एक आदमी मतलब तो कह रहा है कि आदमी के जान बचाने के जब प्रयास किया जाता है आदमी को तो जान बचाने के लिए आदमी को जो होता है बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है बहुत से हमें देखना पड़ता है उनके यूट्यूब चैनल पर करीब करीब सत्तर अस्सी लाख फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर हर जगह पर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था या अफवाह ही था या मनीष कस्वी जगह पर कोई और भी पत्रकार होता या कुछ भी ऐसा मान लीजिए कि चीज़ हो रहा था तो हम जो है ना उसको कुछ और तरीक़ा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये तो खबर था ये भ्रामक खबर था आप उसको न्यूज़ चैनल पर चला दिए अगर इसी में मान लीजिए कि दंगा हो जाता है या बिहार में या तमिलनाडु में अगर मान लीजिए पाँच या दस लोग की भी जान चल जाता सिर्फ ये अफवाह के कारण तो उसका भरपाई कौन करता भिला सवाल ये है जब आपके साथ एक बहुत बड़ा जनता जुड़ जाती है तो आपको थोड़ा सी होना पड़ेगा हर चीज़ को बारीकी से जांचना पड़ेगा क्या कि अगर आपके जान अगर किसी एक भी लोग का मृत्यु हो जाता है जल्द जल्द फिर आप कभी अपने आप को खुद नहीं माफ़ कर पाते तो अलग मैटर है आपको क्या क्या कार्रवाई होता दूसरा देखिए बात यह है कि जब उन पर एफ़ हुआ है कुछ सिर्फ उन पर तो हुआ ही नहीं भारत में पहली बार कोई एफ़ हुआ ही नहीं है जो जो लोग गलत किया सब पे एफ़ हुआ है किसी पर कार्रवाई पहले हो लेट से ये कोई बड़ी बात नहीं है सबको पता है लेकिन आपको एक बात समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे उन पर जैसे एफ़ हुआ तो नहीं कहते हैं कि रंगा सियार वाला हाल जैसे आप पर एक अफायर हुआ जैसे आपका सारा चीज़ धुल के बाहर आ गया पत्रकारिता के और आर्मी में बहुत बार ऐसा जगह जो है दबंगई भी किए किसी भी लोग को अनुशासनहीनता से कुछ भी बोल देना फलना बोल देना ऐसे वो अपने आप को समझते हैं कि जैसे और किसी पत्रकार उनके सामने गरिमा नहीं है सब आदमी उनके सामने जो है भ्रष्ट ही है सिर्फ हम ही सही हैं मान लीजिए कि हम देखे थे एक छपरा यूनिवर्सिटी में कि बी सी सब का मीटिंग चल रहा है उनमें जैसे घस घुस के क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए अनुशासन ये नहीं है तो अनुशासन में कहाँ चल रहा था उसका सेशन कहाँ चल रहा था वैसे अनुशासन में तो सब सवाल कर रहे थे तो आप ये बताइए कि वैसे करने से सेशन सही से 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 हो जाएगा तो क्या तो करे तो फिर उससे ऐसा, ऐसा है तो ऐसा है तो आप सब यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों को धरना बैठवा दीजिए तो सेशन सही हो जाएगा सरकार सवाल पूछिए सरकार से सरकार जवाब नहीं दे रहे हैं ना आप में हम ये कह रहे हैं क्या कि बात करने का और भी इससे बेहतर तरीका हो सकता है आपको हम ये बता रहे हैं कि इस आदमी का इतना मन भरने के कारण आज का परिणाम ये है कि जो आज के साथ हो रहा है क्योंकि जैसे उस पर एफ हुआ तो वो जो है इस इस मैटर से इस इस तरीका से और भी अच्छा तरीका, तरीका तो इस से इससे उसको लड़ सकते थे कि जनता बोल सकते थे कि चंद्रा साहब ने देखिए हम ऐसा ऐसा किए थे हमको लगा था कि ऐसा हो रहा है ऐसा हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसको कुछ और तरीक़ा से देखा जाए तो बात खत्म हो जाता है लेकिन सोचिए आप बैठ के एक जाति विशेष नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं आपके पापा जी ये हैं मेरे पापा जी ये हैं आप हम इंजीनियर हैं आप नाइन्थ पास हैं तेजस्वी तो यादव दो हज़ार बीस के चुनाव विधानसभा चुनाव में घोषणा कर दिया कि हम नाइन्थ पास हैं कोई छुपा हुआ बात नहीं है आप भी घोषणा कर दिए हैं कि हम इंजीनियर थे या कुछ नहीं उखाड़ पाए तो हम एक माइक लेकर निकल गए आप सबको सक्सेस भी मिला तेजस्वी यादव को भी राजनीति में सक्सेस भी मिला कोई बुरी बात नहीं है ऐसा ढेरी आदमी अपना इंडिया में है जो कोई और चीज़ कर रहा था कोई और चीज़ कर रहा है ये कोई आज नया बात नहीं है नहीं बिल्कुल सही बात तो आपको सबको कहना चाहिए ना आप लोजपा आप चेक पासवान क्यों नहीं कहते कि एक्टर बनने गए थे एक्टर बनने गए थे आप अपने नेता में कहा घूम रहे और भी तो लोग हैं ना ढेरी ऐसा लोग जिनका बेटा बेटी जो राजनीति में है कोई बुरी बात नहीं है और काम कर रहे नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है लेकिन सबसे सब पहला बात ये टारगेट कर रहे दूसरा आप ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार गिरा देंगे हम देश में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसा ऐसा मीडिया को देखे हैं जो किसी आज तक कोई ऐसी सरकार चुनौती नहीं किया है ये कौन सा सरकार से घर में बनता है क्या जी बोले हैं आप ये बात इस बात को आप पहले समझिए कि यदि तमिलनाडु का आदमी बिहार में होता आप जैसे आप ये क्वेश्चन किए सबसे पहले कि इतना जल्दी रिएक्शन क्यों किया गया मतलब इतना जल्दी उसको अरेस्ट के लिए क्यों मतलब पुलिस जो है हिरासत में उसको लेने के लिए कुर्की जब्दी तक कर दिया आप यही कहना चाह रहे हैं तो कोई आतंकवादी नहीं है नह लेकिन आप यदि सही से सोचिए उनके पास सत्तर अस्सी लाख फॉलोअर हैं और उसमें बहुत कम है कि बहुत गहरे में जा सोचते हैं सब गांव से आते हैं सब गांव समाज के लोग हैं वो बहुत संविधान नहीं जानते हैं जहाँ तक हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेफ्थ में जानते नहीं है यदि कोई दस लोग यदि तमिलनाडु का बिहार में होता और उस गलत फहमी की बिहार का मजदूर को तमिलनाडु में पीटा गया और पीटा गया नहीं था और उस गलत फहमी में यदि हम लोग में भी आक्रोश आया था यदि उस समय यदि दस या बीस या पचास लोग जो यदि तमिलनाडु का यहाँ होते और उसको यदि मार दिया गया होता वह लीचिंग में तो समझिए कि क्या वो आतंकवादी से कम बड़ा बात है आतंकवादी से जरा वहीं पे मार दिया या वहीं पे जो है फिर बिहारी कोई इस आदमी तो नहीं, तो फायदा उठा लेता समझ ये इस बात को आप थोड़ा समझिए बहुत डेप्थ बात है गहराई वाला बात है कि यदि आप ए, एक अफवाह में यदि तमिलनाडु में यदि तमिलनाडु के आदमी को ही यदि बिहारी पचास सौ दो सौ के भीड़ में आ रहे हैं ट्रेन से और दस गो तमिलनाडु वाला पकड़ा गया और उसको मार देते या फिर बिहार में ही पकड़ा गया होते या हमारे बिहारी को ही उल्टा पुलटा में ही गलतफहमी में सबको मार दिया होता यदि सौ इस तरीके से चल गया तो वो तो आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी वाला काम हो गया ना पूरे देश में फैल जाता और देश में अशांति फैलता हम लोग कहाँ जहां पर हम लोग अभी चीन से पाकिस्तान से बॉर्डर पे हम लोग का सेंसिटिव एरिया है अपना देश में बन जाता फिर दूसरा देश इसका फायदा उठाता तो ये तो समझ लीजिए कि ये देशद्रोह कोर्ट का करवाया है और कोर्ट किसी का बाबू का नहीं है न तो नीतीश बाबू का है न मोदी बाबू का है हाँ कहीं ना कहीं जो सरकार में रहते हैं सत्ता में रहते हैं उनका चलता है थोड़ा बहुत हमेशा से चला है वो कहीं ना कहीं इस मामले में हल्का सा तनासा तो हो ही जाता है चाहे अभी केंद्र का ले लीजिए चाहे राज्य का तो यहाँ पे यही नतीजा आया है कि इन दोनों और आप सब यहाँ पे देख रहे हैं इन सब का यही कहना है कि वो अगर गलत किए हैं तो कोर्ट उनको सजा देंगे अगर सही किए हैं तो उनको सही साबित कर देंगे सही बात है। तो आप लोग देखिए क्या आता है सजा क्या होता है इसके बाद अभी गए हैं वो जेल गए हैं उसके बाद मैसेज देना चाहेंगे देखिए जब भी किसी आदमी को फॉलो कीजिए जब भी किसी आदमी का वीडियो देखिए कुछ भी देखिए तो अपने दिमाग को न्यूट्रल रखिए तस् रखिए आपको ना ये सोचना है कि आदमी किस जाति का है किस धर्म का है किस पार्टी से आता है किससे आता है समाज में जब भी अशांति फैलता है तो वो फैलता है लोग को जब आदमी सोचता समझता नहीं कोई एक्शन ले लेता आप कहते हैं कि भैया को दिल से सलाम भैया को फलना है भैया को चिलना है कोई जरूरी नहीं होगा भैया सही होगा कभी कभी ऐसे आदमी इसका फ़ायदा उठा के समाज में कुछ इस तरह का काम कर देते हैं जो आपको जब तक समझ में आएगा तब तो तक आपका बहुत बड़ा क्षति हो चुका होगा तो हमें समझना चाहिए हम फॉलो उसी लोग को करेंगे हम उसी लोग का बात मानेंगे जहाँ हमें लगेगा कि वो पूरा उचित है कोई जरूरी नहीं है कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना भी गलती कर चुके हैं तो उनको सजा मिलना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे समाज में अगर सजा मिलना कम हो जाएगा और कार्रवाई होना कम हो जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ा समस्या है